दोस्तों आप लोग को क्या पता है कि एयर प्रेशर टैंक से ऑयल का लीकेज होना, ऑयल का निकलना क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और पिस्टन हमारे सभी चोक हो चुके हैं और ओवर हीट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले पिस्टन को खोल के देखते हैं चैम्बर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवा कुशवाहा और मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिक ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर मेरे मैकेनिक ग्रुप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन थ्रू सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देख सकते हैं हमने चैम्बर को खोला हुआ है, चैम्बर में कुछ नहीं मिला है। देख सकते हैं अपना इंजन खुल चुका है। क्रैंकशाफ्ट चेक कर लेते हैं एक बार, क्रैंकशाफ्ट में भी कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इंजन की तरफ। सबसे पहले हम इंजन के हेड को खोलते हैं। हेड को हमने खोल लिया है और चलिए बाहर निकाल लेते हैं हेड को। उसके बाद में देखते हैं कि ऑयल कहाँ से क्यों आ रहा था और पिस्टन क्यों अपने ओवर हीट हो गए हैं। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं हमने पिस्टन को अभी नहीं निकाला है। सबसे पहले हेड को बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं अपना जो हेड के वाल हैं, हीनो इंजन के 12 वाल का इंजन है, हीरो टू हीनो इंजन का दोस्तों, इसमें वाल सभी अपने ठीक ही हैं। देख सकते हैं अपना ब्लॉक है, ब्लॉक में गैस किट रखी हुई है, गैस किट भी लगभग में सही है, गैस किट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जो ये इंजन में पानी है वो वाल की वजह से है, हमने वाल को नहीं खोला था इसलिए पानी है दोस्तों। मैंने आई बटन पर लिंक दिया हुआ, अगर आप लोग को क्राउन पिनियन का वीडियो देखना है तो मैंने क्राउन पिनियन आई बटन पर लिंक पर दे रखा है, आप मेरे आई बटन पर जाके देख सकते हैं। और इंड स्क्रीन पर भी लोडर CLG लियोन लोडर का कैसे फिटिंग करते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। देख सकते हैं अपने छः नंबर पिस्टन और 5 नंबर में पानी है, जबकि दोस्तों इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने वाल को नहीं खोला था इसलिए पानी भरा है वाल को। चलिए हम आपको खोल के दिखाते हैं, अपना पानी पूरा बाहर निकल जाएगा और उसके बाद में हम पिस्टन को खोलेंगे, पिस्टन को निकाल के दिखाएंगे ये अपना पिस्टन ओवर हीट क्यों हो गया। देख सकते हैं ये वाल है जो हमने वो वाटर को ड्रेन किया है। चलिए दोस्तों, अब हम पिस्टन को बाहर निकालते हैं एक बार ब्लॉक चेक करने के बाद। अपना हेड भी सही है, ना कहीं से क्रैक हुआ ना कुछ भी हुआ है, और किसके कारण अपना पिस्टन ओवर हीट हुआ है उसके बारे में भी बता रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों, अब हम पिस्टन को निकाल दे सकते हैं दोस्तों। पिस्टन अपना पूरी तरह से हीट हो चुका है और रिंग भी हो चुकी है दोस्तों। ऐसे इसलिए हुआ है कि इंजन में ऑयल गया ही नहीं, यानी कि ऑयल पंप ने ऑयल दिया ही नहीं है, ऑयल पंप अपना ख़राब होने के कारण पिस्टन चोक हो गया और कनेक्टिंग वायरिंग भी सीज हो गई है। देख सकते हैं बाकी ब्लॉक में और लाइनर में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख सकते हैं जो 6 नंबर का पिस्टन है वो पूरी तरह से सीज हो चुका है, सभी पिस्टन रखे हुए हैं। चलिए एक बार हम आपको फिर से चेक करा देते हैं कि कैसे ओवर हीट हो गया था। देख सकते हैं कनेक्टिंग वायरिंग भी दोस्तों पूरी सीज हो चुकी है और जो 6 नंबर का पिस्टन है देख सकते हैं पूरी तरह से ओवर हीट हो चुका है, यानी कि चोक हो चुका है। इसलिए दोस्तों अपना पिस्टन चोक है क्योंकि इंजन इसमें इंजन ऑयल गया ही नहीं, ऑयल पंप ख़राब होने के कारण। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने की आप लोग का। दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो होगी